लोकसभा चुनाव में भाजपा राम मंदिर को बनाएगी बड़ा मुद्दा, बीजेपी ने बनाई खास रणनीति। अयोध्या जाने वालों के लिए दो लग्जरी ट्रेनों की सौगात, 30 से चलेंगी वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन। आज मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर घंटों का जाम, फंसे हैं लोग, क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने घरों से निकले। 2024 में होगी पीएम मोदी की वापसी, जगतगुरु राम भद्राचार्य ने दे दिया बड़ा बयान। पीएम मोदी ने क्रिसमस पर ईसाई समुदाय के लोगों से की मुलाकात, बोले मेरा आपसे पुराना रिश्ता है। राष्ट्रपति पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने सदैव अटल पर वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। अखिलेश यादव नहीं है इंडी गठबंधन का हिस्सा, कांग्रेस नेता के दावे से मचा सियासी संग्राम, बोले सपा नेता की दुकान बंद हो गई। साक्षी ने संन्यास ले लिया, हमने भी संन्यास ले लिया, बात खत्म, कुश्ती संघ पर एक्शन के बाद खुलकर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह। WFI के निलंबन के बाद ब्रजभूषण सिंह का बड़ा बयान, कहा कुश्ती से नाता तोड़ चुका हूं, संजय सिंह मेरे रिश्तेदार नहीं। मुस्लिमों को अब कांग्रेस का सच देखना होगा, हिजाब बैन को लेकर सिद्धारमैया सरकार पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को नहीं भेजा जाएगा न्योता। लखीमपुर मस्जिद का नक्शा पास करवाने में 80 लाख रुपए का खर्च, अक्टूबर से शुरू हो जाएगा निर्माण। इंडिया गठबंधन में नाराजगी की खबरों पर नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी, कहा हम साथ साथ हैं, RJD में विलय के बयानों को ठहराया बकवास। जम्मू कश्मीर के राजौर पुंछ इलाके में लगातार पांचवें दिन भी जारी है ऑपरेशन, जंगल में आतंकियों की तलाशी, थोड़ी देर मौके पर सेना प्रमुख। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, आज फिर सामने आए 600 से ज्यादा मामले, एक्टिव केस 4000 के पार। हमास के 4 लड़ाकों ने बच्चों को जलाया, महिलाओं के साथ किया बलात्कार, जंग के बीच नेतन्याहू की पत्नी पोप फ्रांसिस को लिखा खत। हुकुम चंद मिल मजदूरों के खाते में बकाया 228 करोड़ रुपए ट्रांसफर, पहली किस्त के बाद आगे का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रेन से उतरी पटरी, महिला के साथ हुआ लूटपाट, फिर रेप, उसके बाद कर दी हत्या, शव को जंगल में फेंका। प्रदेश में नए साल की शुरुआत बादल बारिश से होगी, भोपाल ग्वालियर जबलपुर में घना कोहरा। मेरठ में पेड़ से लटके मिले प्रेमी प्रेमिका के शव, पुलिस जांच में जुटी। मिली जान, तेलंगाना में हुए 2 सड़क हादसों में 6 लोगों की हुई मौत। रायपुर में 13.28 लाख किसानों को कुछ देर में मिलेंगे 3716 करोड़, 2 लाख का बकाया धान बोनस देगी सरकार। रिंग सेरेमनी में दलित युवक की जमकर पिटाई, दोस्तों ने पहले पिलाई शराब, फिर ईंट से चेहरा कुच दिया, पत्नी छोड़कर जा चुकी थी। हरियाणा के 32 शहरों में घना कोहरा, पहली बार जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट, दिन का टेम्परेचर 1.1 डिग्री बढ़ा। गुरुग्राम में गौ तस्करों से 3 घंटे मुठभेड़, 80 किलोमीटर तक किया पीछा, पिकअप का टायर फटा, 4 आरोपी गिरफ्तार, गौरक्षकों ने पैर रखकर खिंचाई फोटो।